में एक खास चीज देखी होगी, जो लौकी के छोटे छोटे फल होते हैं, ये सूख कर गिरने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। पहले तो इसमें छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, एक दो जगह पर आपको छिद्र दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको फल में जो फूल होता है, फूल की तरफ से सड़न दिखाई देती है। ये सड़न जो है पहले धब्बे के रूप में, छोटे धब्बे के रूप में होती है, धीरे धीरे यह फैल कर हमारे पूरे फल में चली जाती है और फल जो है तने से अलग हो जाता है। इस प्रकार एक एक करके हमारे सारे फल सड़ने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं, जिनको हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाते हैं। और अगर हम इनको समय रहते देख लेते हैं तो नियंत्रण करना भी संभव है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि जो आपके फल हैं वो सड़ते आखिर क्यों हैं। ये जो फल हैं वो दो प्रकार से सड़ते हैं और कभी कभी सूख भी जाते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कीटों का प्रकोप, और दूसरा जो कारण होता है वो फंगस संबंधित रोग होता है। ये एक ऐसा रोग होता है जो कि हमारे फल में पहले धब्बा बनाता है और धब्बे के बाद धीरे धीरे या पूरे फल में विकसित हो जाता है और इसके अंदर भी पहुंच जाता है। और छोटे फलों पर इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे हमारे जो फल हैं वो पूर्णतः कुपोषित हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं। तो इनके रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले इसकी देख रेख करनी है। अगर आपके पौधे में एक दो या रोग दिखाई दे रहा है तब तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कई दवाओं का स्प्रे करना पड़ सकता है और कुछ कार्य आपको खास करने पड़ सकते हैं। अगर आपके पौधे में एक दो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साफ का इस्तेमाल करना है, जो कि कार्बेंडाजम और मैंकोजेब का मिश्रण होता है। साफ फंगीसाइड को अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो इनसे आप निजात पा सकते हैं। अगर आप पहले स्प्रे में इससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो बाद में आप दो तीन स्प्रे कर सकते हैं। तीन स्प्रेयों में जाहिर सी बात है आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे। और जो स्प्रे का अंतराल रहेगा वो 15 दिन के अंतराल पर आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, और जिससे आप हो सकता है इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा जाएं। अगर आपकी फसल में यह रोग फंगस से नहीं लगा है तब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि हमारी फसल में यह जो रोग लगा है यह फंगस से लगा है या कीटों से लगा है। अगर कीटों से लगा होगा आप फंगीसाइड का यूज करेंगे तो आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर फंगस से लगा होगा कीट और इंसेक्टीसाइड का प्रयोग करेंगे तब भी आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहचान के लिए क्या करना है, आपको फल के बहुत करीब जाना होगा और बहुत ही बारीकी से आपको इसका निरीक्षण करना होगा। अक्सर क्या होता है, कुछ इतने छोटे इसमें कीट होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फल पर आकर के पहले फल की ऊपरी परत खा लेते हैं और यानी रस उसका जो होता है चूस लेते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो अपनी जो उसकी इनकी सुई होती है, मुंह होता है, उससे इसमें रस को चूस लेते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी में एक सुई होती है उसको वो अंदर डाल देती है और अंदर डालने के बाद जो रस होता है चूस लेती है, जहाँ पर छिद्र हो जाता है। छिद्र जब हो जाता है, छिद्र में वहाँ पर रोग पनपने लगते हैं, जीवाणु होने लगते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपना मल जो है करते हैं। मल करने के बाद वहाँ पर फंगस और अन्य रोग उसमें लगने लगते हैं, जिससे हमारा जो फल है सूख जाता है। कुछ कीटों का मल ही इतना जहरीला होता है जो हमारे छोटे से फल को सड़ा देता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी फसल में जो फल लगा हुआ है उसमें फंगस लगी हुई है या कीट लगी है। अगर कीट लगा हुआ है तो कीट के लिए आपको यहाँ पर पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होती हैं उनका स्प्रे करना है। इसके लिए अगर आप नीम का तेल प्रयोग करते हैं तो अच्छा है। अगर आपको नीम का तेल घर पर मिल रहा है, देसी नीम का तेल है, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो मार्केट से आप लोग लेते हैं, मार्केट का जो नीम का तेल होता है ये काफ़ी मात्रा में अच्छा नहीं होता है। अगर यूं कहें तो उसमें कई सारे ऐसे तेल मिले हो भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपके जो फल हैं वो जल्दी से शीघ्र बढ़ेंगे और अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। और रोगों के लिए आप साफ, जैसा कि हमने बताया, नीम का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य अगर आप पेस्टिसाइड यूज करना चाहते हैं तो उन पेस्टिसाइड में आपको ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका ही स्प्रे करें, ताकि आपकी जो फल है उसके अंदर जो है वो जहर ना जाने पाए और आप सेफ रह सकें। और दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप जितने भी ये सब्जी वर्गीय फसल उगा रहे हैं उसमें आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही इस्तेमाल करें, अपने घर पर ही तैयार कर लें। कम खर्चे में आप तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा आप उत्पादन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी हमने दी, हालांकि बहुत खास नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण हुई हो। और आप अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो अपनी जो लौकी की
बेल है उसमें अच्छा उत्पादन देखने को पाएंगे और इन रोगों से और इन कीटों से छुटकारा पाएंगे और स्वस्थ लौकी आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।